अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा इंग्लिश के मुतालिक लेक्चर होगा, तो इंशाल्लाह इसमें भी रूट वर्ड के जरिए आपको बहुत सी वोकैबुलरी जो है याद करने में आसानी होगी। तो इंग्लिश को याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके रूट्स वर्ड्स याद किए जाएँ, ताकि हमें पता चल सके कि इसका मतलब क्या है और हम इसको कैसे जो है ना किसी भी सेंटेंस में हम डील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से वर्ड्स गिवन हो तो अगर हमें रूट वर्ड का पता हो तो उससे हम इजीली, हमें जजमेंट हो जाती है कि इस वर्ड्स का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आज हमारे पहले लेक्चर की तरफ। आज हमारा सबसे पहला वर्ड जो है वो है एम्ब। एम का मतलब होता है टू वॉक। ठीक है, इस तरह हो गया कि एम्बुलेंस, अक्सर लफ्ज हम सुनते हैं एम्बुलेंस, ए व्हीकल दैट टेक्स पीपल टू हॉस्पिटल। ठीक है ना, ऐसी गाड़ी या ऐसी व्हीकल जो कि हम जो हमेशा मूव करें वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, एम्बुलेंस। ठीक है, तो इस ये एम्ब से निकला है इसलिए इसका मतलब है टू वॉक। एम्बुलेट, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये भी इसका लफ्ज है। इसका एम्बुलेटरी, अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग। ठीक है ना, कोई चीज़ वॉक करने के लिए जो इसमें इसको एम्बुलेटरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फनेम्बुलिस्ट। ठीक है, एन एक्रोबेट हु परफॉर्म्स ऑन अ राइट रोप। ठीक है ना, जो सीधे रस्से पे जो चलता है एक्रोबेट। ठीक है, जो करतब दिखाते हैं उनको एक्रोबेट कहते हैं। ठीक है, तो वो उनको फनेम्बुलिस्ट कहते हैं। सही है, सोम ना एम्बुलेट वॉक इन वन स्लीप। ठीक है, जो कोई नींद में चलता है उसको हम उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सोमना एम्बुलेंस। अगला हमारा लफ्ज है जी बैन, बैनी, बोन। इन सब का मतलब है काइंड, गुड, वेल। ठीक है, किसी भी लफ्ज के सामने या फ्रंट क्या कहते हैं कि शुरू स्टार्ट में, मैंने शुरू में अगर बैन आ जाए या बैनी आ जाए या बोन आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि काइंड, गुड, वेल। जिस तरह के बेनिफिशियल, ठीक है, फेवरेबल आर एडवांटेजियस। ठीक है, तो बैनी आ गया तो इसलिए इसका मतलब हो गया ऐसी चीज़ जो आपको फेवर दे रही है या ऐसी चीज़ जो आपके लिए अच्छी हो, गुड हो, काइंड हो, रहम हो। ठीक है, इसलिए बेनिफिशियल, ठीक है, बैनी हो गया। बेनिडिक्शन, द अटेंस ऑफ ए ब्लेसिंग। ठीक है, किसी कोई आपको दुआ देता है या दुआया जो अल्फाज होते हैं उसको बेनिडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनिडिक्शन। बेनाइन, ठीक है, जेंटल, काइंड, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है बेनिडिक्शन और बेनाइन। ठीक है, इसको अपने याद रखने, ये अक्सर आते हैं इसके जो है सिनोनिम्स वगैरह आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। ठीक है, ये तो इसका मतलब है, बेनाइन का मतलब है जेंटल, काइंड, बोनाफाइड, रियल, जेनियस, मेड इन गुड फेथ। ठीक है, यह हो गया बोनाफाइड। अक्सर हमारे जो है लिखा जाता है, जो है स्कूल सर्टिफिकेट्स में लिखा जाता है या डिग्रीज में लिखा जाता है बोनाफाइड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है जी रियल, जेन्युइन, मेड इन गुड फेथ। बोन वॉयज, ठीक है, बोन का मतलब हो गया अच्छे वॉयज, मैंने ऐसा सफ़र। ठीक है ना, हम अक्सर लफ्ज इसमें जर्नी के लिए इसका वॉयज का मतलब होता है जर्नी। ठीक है, ऐसा ऐसा सफ़र जो बहुत ही अच्छा हो उसको हम कहते हैं बोन वॉयज। एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेज व्हेन समवन लीव्स ऑन अ जर्नी। ठीक है, बेनेवोलेंट, चैरिटेबल, काइंड, ठीक है, मेहरबान, ठीक है, बहुत ज़्यादा खैरात करने वाला है, चैरिट। ठीक है, अगला जी हमारा लफ्ज है बाई, एम बी या एम बी या एम फी, एम बी इसका मतलब ए एम पी एच है, इसको भी एम बी पढ़ा जाता है, इसके ये भी है एम बी, इसका मतलब होता है बहुत, मतलब दो दो चीज़ें। ठीक है, एम बी का मतलब बाई का मतलब वैसे भी टू होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जिसमें जिसके दो पहलू हों उसको हम बाई कहते हैं। ठीक है ना, जिस तरह के एम्बिडेक्टेरियस, ठीक है, ऐसा शख्स जो कि अपने दोनों हाथों से काम कर सकता हो, इसको हम क्या कहते हैं, एम्बिडेक्टेरियस। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है ये वाला, ए पर्सन हु कैन राइट यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, इसको हम कहते हैं एम्बिडेक्टेरियस। ठीक है, एम्बिफियन, ठीक है, ऐसा जानवर जो कि दोनों जगहों पर रह सकता हो, मैंने पानी में भी और लैंड पे भी, एन एनिमल दैट लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। एम्बिग्यूटी, ठीक है, ऐसा लफ्ज जिसकी कोई एक स्पेसिफिक खास नहीं, स्पेसिफिक मीनिंग ना हो, मैंने उसके दो मीनिंग हो, जो मैंने उसको हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकें या नेगेटिव में भी, मैंने ऐसी जिसके क्लियर मीनिंग ना हो उसको हम कहते हैं एम्बिग्यूटी। द क्वालिटी ऑफ हैविंग टू पॉसिबल मीनिंग्स, ठीक है, जिसके दो मीनिंग हो। इसका भी एम्बिवेलियंस, ठीक है, फिक्स फीलिंग आर इमोशन, इसको हम कहते हैं एम्बिवेलियंस। अगे हमारे पास लफ्ज है जी क्रेड। क्रेड जहाँ भी लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब होता है बिलीव, मेक, ट्रस्ट। ठीक है, क्रीडेंस जैसे कि ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, क्रेडेंशियल्स, ए डॉक्यूमेंट अटैचिंग टू द ट्रूथ ऑफ सर्टेन स्टेटेड फैक्ट्स। ठीक है, जिस तरह की हमारी डिग्रीज होती है उस पर वो ये हमारी क्रेडेंशियल्स कहलाती हैं। ठीक है, वो हमारे
हमारे तमाम फैक्ट्स को वो टेस्ट कर रही होती है, या वो उस वो फैक्ट्स और फिगर हमारे दिखा रही होती है, ठीक है। इसीलिए इस कहते हैं क्रेडेंशियल, ठीक है। क्रेडिबिलिटी द क्वालिटी ऑफ बींग बिलीवेबल आर ट्रस्टवर्थी, ठीक है, ट्रस्टवर्थी। अगे हमारे पास है जी गेमोस, गेमोस, ठीक है, इसका मतलब होता है मैरिज, ठीक है। ये ग्रीक लफ्ज है गेमोस, तो इसलिए इसको गेमोस कहते हैं, मैरिज के इसका मतलब, जहाँ भी गेमोस लफ्ज आएगा तो उसका मतलब मैरिज ही लिया जाएगा, सही। जैसे कि मोनो गेमी, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो गेमी का मतलब हो गया मैरिज, ओनली वन मैरिज। बाई गेमी, बाई का मतलब होता है टू, गेमी मना टू, टू मैरिज हो गई, ठीक है। एंडोगेमी ए मैरिज विद एनी स्पेसिफिक ट्राइब और सिमिलर सोशल यूनिट कहलाती है एंडोगेमी। इसके बाद है एक्सोगेमी, ठीक है। एक्सो में गेमी का मतलब क्या हो गया, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, बाहर, जिसे हम कहते हैं। एंडो कहते हैं इन, ठीक है। तो एक्सो हो गया इसका मैरिड टू ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए ट्राइब और ग्रुप अदर देन यूर ओन एज रिक्वायर्ड बाई कस्टमर लॉ, सही। तो अगला लफ्ज है हमारे पास मोनो, मोनो का मतलब होता है वन सिंगल, ठीक है। मोनोपोली कंट्रोल बाय वन पर्सन, ठीक है। ऐसी मार्केट जिसमें सिर्फ एक ही शख्स का कंट्रोल हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस शख्स की मोनापोली, हम कहते हैं ये मोनापोलेट है, या उस शख्स की जारादार या मोनापोली है, ठीक है। तो मोनोलोगर स्पीच गिवन बाय वन पर्सन, ठीक है। मोनार्क वन रूलर, मोनार्की वन रूलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मोनार्की ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही रूलर हो, तो उसको, उस निज़ाम को हम कहते हैं मोनार्की। इसके बाद है जी मेल, बेड इवर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके तमाम आपने याद रखने की कोशिश करनी। ये लफ्ज अक्सर जो आता है, होता है मेल, मेल किसी भी लफ्ज के स्टार्ट में आ जाए या शुरू में आ जाए तो उसका मतलब क्या लिया जाएगा जी, बेड या इवर, ठीक है, बेड या इवर। जिस तरह के मेल फैक्टर, ठीक है, सम वन हु कमिटेड ए क्राइम, उसको हम कहते हैं मेल फैक्टर, ठीक है। मेल फंक्शनिंग, फंक्शन मतलब होता है किसी चीज़ का काम करना, मेल फंक्शन मतलब अच्छा काम ना करना, ठीक है। इसको इस मेल आ गया तो मेल का मतलब वही बेड होता है, ठीक है। मैलियस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हार्म सम वन, टू हार्म सम वन फिजिकली और इमोशनली बिकॉज यू हैट है हिम, ठीक है। मैलियस, ठीक है, इसलिए कहते हैं ये मैलियस इसकी डिजायर है, मतलब बुरी ख्वाहिश रखता है या बुरा इरादा रखता है, किसी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसको कहते हैं मैलियस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। इसके बाद है मेल कंटेंट, ऐसा पर्सन जो सेटिस्फाई ना हो, ठीक है, जहाँ जो बगावती हो, रिबिलियस हो, ठीक है, ए पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड आर रिबिलियस। मेलेगनेंट, ठीक है, इवल बेड इन नेचर आर इफेक्ट, ठीक है, इसको मेलेगनेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लफ्ज को आपने लाजमी याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। आगे हमारे पास है फाइड, फिड, ठीक है, फेथ, ट्रस्ट, ठीक है, फिडेलिटी, ट्रस्ट वर्दी या ट्रस्टफुल, ठीक है, फिडेलिटी हम कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपने ये लफ्ज वाईफाई के साथ देखा होगा, वाईफाई, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, मैंने ये ऐसी वायर है जो कि है तो वायर के बगैर ही, ठीक है ना, लेकिन इस पे ये मुकम्मल तौर पर इस पे आपको ट्रस्ट, इस पे ट्रस्ट वर्दी होगी, मैंने ये कहीं आपका डेटा लीक नहीं कर सकती, इसके इसके ऊपर आपको क्या होना चाहिए, आपकी फिडेलिटी है, बाकायदा ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। तो इसलिए इसको वाईफाई कहते हैं, ठीक है। तो मतलब समझ जाओगे, फिड का मतलब होता है फेथ, ट्रस्ट। इनफिडेलिटी, ठीक है, जिस पे जो ट्रस्ट वर्दी ना हो या जो रिलायबल ना हो, इसको हम कहते हैं, ठीक है, जिससे इसका मतलब हो गया अनट्रस्ट वर्दी, ना ट्रस्टफुल, ना रिलायबल। कॉन्फिडेंट, सेल्फ ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंट होता है। परफिडी, बिट्रायल ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लफ्ज है जी फोबिया, फियर और डिसलाइक, ठीक है। तो फोबिया का अक्सर लफ्ज आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये इस्तेमाल होता है फियर और डिसलाइक के लिए। अब जिस तरह के लफ्ज है हमारे पास थियोफोबिया, ठीक है, थियो जब भी लफ्ज आता है तो इसका मतलब लिया जाता है रिलीजियस वगैरह से, ठीक है। तो फियर, थियोफोबिया हो गया फियर ऑफ रिलीजन, ठीक है, जो रिलीजन से डर रखता हो या जिसका खौफ हो या डिसलाइक करता हो, ठीक है ना, तो फियर ऑफ ये क्या हो गया, रिलीजन, ठीक है। इसी तरह इस्लामी, इस्लामी फोबिया अक्सर आपने लफ्ज सुना है, इस्लामी फोबिया ये बहुत ही ये अक्सर यूज़ किया जाता है, वो होती ज़्यादा इस बेस भाषा होता है, ठीक है। इस्लामी फोबिया हो गया मैंने इस्लाम से डर, इस्लाम से डर होना, ठीक है, या इस्लामी मज़हब से डर होना, सही। तो जू फोबिया, जू फोबिया तो फियर ऑफ एनिमल हो गया। पेडो, ठीक है, फोबिया, पेडो वैसे चिल्ड्रन को कहते हैं, ठीक है, बेबी को। तो पेडो फोबिया हो गया डर का होना, ठीक है। वन हु डज नॉट लाइक चिल्ड्रन, परसिस्टेंट फियर ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन, जी इसका मतलब हो गया, ठीक है। एंड्रोफोबिया तो वन हु डज नॉट लाइक बॉयज, फियर ऑफ मैन, ठीक है, एंड्रो मैन को कहते हैं, ठीक है।
गाइनोफोबिया, ठीक। गाइनो का अक्सर लफ्ज वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है, तो वन हु डज नॉट लाइक गर्ल वुमेन आर डिसलाइक आर फियर ऑफ वुमेन, तो इसको गाइनोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेल। पेल का मतलब होता है जी ड्राइव या फोर्स। जिस तरह के पहला लफ्ज हमारे पास कंपेल, फोर्स समवन टू एक्ट, ठीक है, किसी को मजबूर कर देना कि वो लाजमी ऐसा काम करे या ये करे, ठीक है। एक्सपेल, एक्स का मतलब होता है बाहर, टू फोर्स समवन आउट ऑफ वन आउट ऑफ ए प्लेस, ठीक है, किसी को किसी जगह से जबरदस्ती निकाल देना, उसको हम कहते हैं एक्सपेल। रिपेल का मतलब है टू फोर्स बैक, ठीक है। तो ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं, इसको भी आपने लाजमी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है लक, लाइट या इजी, ठीक है। द ल्यूसिड इजीली अंडरस्टैंड गिविंग ऑफ लाइट, ठीक है। ल्यूसिड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट, ये मैंने सिनोनिम्स में भी डिस्कस किया था ल्यूसिड का, ठीक है। इजीली इजीली अंडरस्टूड, इसको हम कहते हैं ल्यूसिड, ठीक है। इल्यूसीडेटेड, ठीक है, टू एक्सप्लेन टू थ्रो लाइट ऑन, ठीक है, इल्यूसीडेटेड इसको कहते हैं, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस अलाउंग लाइट टू पास थ्रू, ठीक है, इसको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, या ट्रांसल्यूसेंट इसको कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ ए सब्सटेंस अलाउंग लाइट टू पास थ्रू, ठीक है, ऐसा समझना जो कि अपने आप से लाइट को गुजरने दिए, इसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट हमारे पास चले तो लोगो, लोकस, ठीक है, लोगो या लोकस जहाँ भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीक, ठीक है, एलोक्यूएंट, जिस तरह के स्पीकिंग ब्यूटीफुली है ना, फोर्सफुली, बड़ा अच्छा बोलता हो, या जिसका बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा, उसको लोकियंट कहते हैं, ठीक है, एलोकियंट। लोकेशियस, वेरी टॉकटिव, गैरुलियस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है। लोकेशियस जी कहते हैं ये बहुत ही बातूनी है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, गैरुलियस। एलोक्यूशन, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, इसको एलोक्यूशन कहते हैं। अगला लफ्ज है जी हमारे पास साइकिल, ठीक है। साइकिल का मतलब होता है सर्कल, रिंग, ठीक है, रिंग रिंग होना, तो बाईसाइकिल हो गया, ए व्हीकल हैविंग टू व्हील्स, ठीक है। साइकिल मतलब गोल सर्कल की तरह, और बाइक का मतलब हो गया टू ए व्हीकल हैविंग टू व्हील्स। साइकिल का मतलब ए सीक्वेंस दैट इज रिपीटेड, इसको कहते हैं साइक्लोन, ए स्टॉर्म विद सर्कुलिंग विंड्स, ठीक है। साइक्लोन अक्सर हमने लफ्ज सुना होता है। इसके बाद ये डिक्ट, डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, बोलना, ठीक है ना। तो कंट्राडिक्ट का मतलब अगर डिनाई दे ट्रुथ आर है स्टेटमेंट असर्ट दी अपोजिट, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट के अपोजिट बोलना, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंट्राडिक्ट, ठीक है। मैंने किसी भी चीज़ के जो अगेंस्ट हो, अपोजिट हो, तो उसको हम कंट्राडिक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन कहते हैं जी स्टेटमेंट फॉर टेलिंग दी फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के बारे में हमें कोई टाइम लाइन फाइंड करनी हो या उसके बारे में बात करनी हो, उसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो डिक्टेट, टू स्पीक आउट लाउड फॉर एन अदर पर्सन टू राइट डाउन, ठीक है, डिक्टेशन जिसको हम अक्सर कहते हैं। अगर हमारे पास ओमनी, आल, इसका मतलब होता है आल, ठीक है, ऐसा लफ्ज या ऐसी कुवत जिसमें तमाम चीज़ें शामिल आ जाए, ठीक है, मैंने एक पावर का मंबा हम जिसे कहते हैं, ठीक है, ओमनीपोटेंट, ठीक है, विद ऑल दी पावर, जिसके पास तमाम किस्म की पावर हो, उसको हम कहते हैं ओमनीपोटेंट, ठीक है। ओमनीसियंट, नोइंग ऑल दी थिंग्स, ठीक है, ओमनी तो हो गया ऑल, ठीक है, सीएंट कहते हैं नॉलेज को, ठीक है, नोइंग ऑल दी थिंग्स। ओमनी वायरस, ओमनी वेरियस इंडिंग ऑल फूड, ठीक है, ओमनी वॉरियस, वोरियस, ठीक है, वोरियस VORUS ईटिंग ऑल फूड, ठीक है, इस तरह हर्बी वियर्स होता है, ठीक है, ओमनी वियर्स हो गया, हर्बी वियर्स हो गया, तो और इसके अलावा भी दो तीन और लफ्ज हैं इस तरह के जो कि ईटिंग ऑल फूड, ठीक है। हर्बीवियर्स वो होते हैं जो कि घास वगैरह खाते हैं, उसको हर्बीवियर्स हम कहते हैं, ठीक है। कार्निवियर्स वो होते हैं जो कि गोश्त वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ओमनीवोरियस को लाजमी आपने याद रखना है, ईटिंग ऑल फूड से रिलेटेड है। सोमन स्लीप, ठीक है, इंसोमिनिया स्लीप डिसऑर्डर इन एबिलिटी टू फॉल स्लीप, ठीक है। इंसो इंसो जहाँ भी लफ्ज आ जाए, ये यहाँ सोमन जहाँ भी लफ्ज आ जाए ये स्लीप को ही जाहिर करता है, ठीक है। सोमे सोमनी लोकियो, ठीक है, टॉकिंग इन स्लीप, ठीक है, जो नींद में बातें करता हो, ठीक है। सोमनोलेंट, फीलिंग स्लीप। आगे जी हमारे पास थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, ठीक है। लोगी जब लोगी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है, जिस तरह बायोलॉजी हो गया, ठीक है, थियोलॉजी हो गया,
तो एंथ्रोपोलॉजी इसी तरह हो गया, स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स हो गया, इस तरह मॉर्फोलॉजी होगी, स्टेट स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। लोग एक जहाँ भी लफ्ज इस्तेमाल होगा ये इससे मुराद लिया जाएगा स्टडी हो गया, ठीक है। तो थियो एंथ्रोपोलॉजी मॉर्फोलॉजी ये तमाम चीज़ें जो है स्टडी से रिलेटेड हैं, ठीक है। थाई गुड गॉड रिलीजन फॉलोअर, ठीक है। थियस्ट, ठीक है, वन हु बिलीव इन गॉड। एथियस, ये अक्सर लफ्ज आते हैं, एथियस द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। मोनोथियस, वन हु बिलीव इन वन गॉड, ठीक है। पॉलीथियस, वन हु बिलीव्स मेनी गॉड्स, ठीक है। ये वन गलती से लग गया, ठीक है। वन हु बिलीव्स मेनी गॉड्स। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माजरत खवाऊँ, क्योंकि कुछ लफ्ज़ मैंने ऐसे वो डिस्कस देखे ही नहीं है और मैंने उनको प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन आप खुद भी जो है बोलने की कोशिश करें, उनको करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कहीं मिस्टेक है तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।